मानो किस्मत का लिखा मिट सकता नहीं आंसू बहाने से, अरे जो होना है होकर रहेगा किसी भी बहाने से। शादी हो जाती है सत्यवान और सावित्री की, एक वर्ष का समय बीत जाता है, वो दिन आ जाता है जो नारद जी ने राजा सुपति को बताया था। तो सावित्री सत्यवान के साथ चली जाती है जंगल में, चक्कर आ जाता है सत्यवान को तो गोद में लेट जाते हैं, यमराज आते हैं और सवाल जवाब होते हैं दोनों के। कवि ने किस प्रकार से क्या लिख दिया बताएंगे, पूनम त्यागी महलवाला मेरठ और उनका साथ देंगे महाशय सतपाल दोसा। सावित्री, हाँ यमराज जी, जो नारद के द्वारा बात बताई गई थी, एक वर्ष की आयु है इसकी सत्यवान की, अब इसके प्राण नहीं बच सकते, वापिस चली जा। यमराज जी, इसका समय पूरा हो चुका है। ये बात तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके पीछे अपने पति के प्राण नहीं केवल 3 वचन चाहती हूँ और आप चले जाइए। 3 वचन तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राणों के सिवा कुछ भी मांग सकती है वही पूरा हो जाएगा। 3 वचन दे दूंगा सब पूरा हो जाएगा, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं बच सकते। यमराज जी, मैं आपसे अपने पति के प्राण बिल्कुल नहीं मांगूंगी, केवल आप मुझे 3 वचन दे दीजिए और जो आप कहना। ठीक है, मेरी बात को सुन ले। कह दीजिए। अरे रेशम झोटा घला झूल में सावित्री तू घणी भूल में, अरे कौन सी चीज तेरी रेशम झोटा घला झूल में सावित्री तू घणी भूल में, कौन सी चीज तेरी रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा घलारी झूल में। सावित्री, वाकई तू पतिव्रता है मैं मानता हूं, लेकिन 3 वचन भी दूंगा और सब कुछ मांग ले, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं बच पाएंगे क्योंकि इसका समय पूरा हो चुका है। तो मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। तोड़ के कानून कैसे इसके साथ ब्याही गई, सारी बात नारद जी की जबां से बताई गई, पैदा सो न पैद मृत्यु सोच के बनाई गई, पैदा सो न पैद मृत्यु सोच के बना। तेरा धर्म तो प्यार करण का, यहाँ इसका है समय मरण का, तेरा धर्म तो प्यार करण का, यहाँ इसका है समय मरण का, कैसे करूं मैं परी रेशम झोटा घला झूल में, रेशम झोटा घलारी झूल में। देता हूं तुम्हें और तीनों वचनों में कुछ भी मांग सकती है सत्यवान के प्राणों के सिवा। आप मेरी बात सुनिए और अपनी बात मुझे जानती देकर के वीरपति जी के प्राण लेना, मुझे जानती
बात है प्रताक्षीस में कहीं नहीं परदायोल्हा जीती जान बचे नहीं अपना मतलब साफ खुला मांगना सुमांग ले फिर तीन वचन दे के बोला मांगना सुमांग ले फिर तीन वचन दे के बोला अपनी हट पे हटी हुई है अपने धर्म पे डटी हुई है अपनी हट पे हटी हुई है अपने धर्म पे डटी हुई है पक्की बुनियाद भरी रेशम झोटा घला झूल में रेशम झोटा भलारी झूल में तीन वचन में तुम्हें देता हूं मांगो क्या मांगना चाहते हो तो सुन लीजिए तुझको वचन लेना पड़े तीसरा वचन भी कुछ सोच करके देना पड़े तीसरा वचन भी कुछ सोच करके देना बहुत दूर तक सोच गई है धर्मराज तक पहुंच गई है बहुत दूर तक सोच गई है धर्मराज तक पहुंच गई अरे कोई ना वीर डरी रेशम झोटा खला झूल में सावत्री दुखनी भूल में कौन सी चीज तेरी रेशम झोटा खला झूल में रेशम झोटा गलारी झूल सावित्री हाँ यमराज जी तुझे वचन दो दे दिए तीसरा वचन क्या है तेरा तीसरा वचन यमराज जी कि मैं पुत्रवती हूँ मेहरबान हो यमराज के पीछे पीछे सावित्री पीछा नहीं छोड़ती यमराज धोखा खा जाते हैं और तीसरे वचन को हाँ कर देते हैं कि जा तू पुत्रवती हो किस तरह क्या लिख दिया भला कवि ने करके देखो कोई खाली नहीं प्रीत गई सावित्री तन खूब छड़ा बीत गई सो बीत गई सत्यवान तुझे दिया मैं हार गया तू जीत गई सत्यवान तुझे दिया मैं हार गया तू जीत गई दूर करो अब मन के डर ने कैलाशी गौरी शंकर ने दूर करो अब मन के डर ने कैलाशी गौरी शंकर ने फिर जोड़ी तेरी भरी रेशम झूठा खला झूल में सावित्री दुखनी भूल में कौन सी चीज तेरी रेशम झूठा खला झूल में रेशम झूठा